इस लैक्चर विच इलैक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक नूं असीं कंटिन्यू करांगे। ते लास्ट लैक्चर दे विच असीं इलैक्ट्रोस्टैटिक्स दे विच काफ़ी कुछ सिखिया सी, ते हुण कुछ जिहड़े टॉपिक्स इहदे नाल रिलेटड रह गए ने उहनूं आपां इस टॉपिक दे विच जां इस लैक्चर दे विच आपां डिस्कस करांगे। सब तो पहला आपां स्टार्ट करदे हां इलैक्ट्रिक फील्ड तों। ठीक है, इलैक्ट्रिक फील्ड की हुंदा है? तुसीं नाम तो सुनिया ही होएगा इलैक्ट्रिक फील्ड। इस तो पहला जिहड़े आपां लैक्चर ही उहदे विच आपां मैगनैटिक फील्ड बारे समझिया है कि मैगनैटिक फील्ड की हुंदा है, ते हुण की है उस तरह ही इलैक्ट्रिक फील्ड की गल करते पे हाँ। लास्ट लैक्चर के तुहानूं दस्सिया ही कि जिहड़ा एक चार्ज हुंदा है जिहनूं, ठीक है, एक चार्ज हुंदा है, ठीक है, उहदे आले दुआले एक फील्ड हुंदा है। ठीक है, जदों उस फील्ड के विच किसी होर चार्ज नूं रखिया जांदा है तो वह जिहड़ा चार्ज है वह कोई ना कोई फोर्स नूं एक्सपीरियंस करेगा। सपोज़ करो ये पॉजिटिव चार्ज है, इत्थे आपां एक पॉजिटिव चार्ज ही रख दिता, उहदे नाल की होएगा कि ए फोर्स ऑफ रिपल्शन जिहड़ा वा वह फोर्स जिहड़ी है इत्थे लगेगी। ठीक है, फोर्स ऑफ रिपल्शन नूं एक्सपीरियंस करेगा। ओके, की है कि जे आपां फिर इहनूं वधिया तरीके नाल समझदे हाँ कि ए क्यू क्यू है, ए क्यू की है पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ए की है, ए पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, क्यू की है पॉजिटिव चार्ज है। ओके, इत्थे आपां एक होर चार्ज रखता वह भी की है समाल क्यू। ठीक है, जां इहनूं आपां क्यू नॉट कह देंगे। ठीक है, यह भी की है पॉजिटिव। हुण इस चार्ज करके जिहड़ा कैपीटल क्यू है जिहड़ा चार्ज है, जां आपां कह लईए पॉइंट ओ है ते ए पॉइंट पी ते जिहड़ा वा ये किहड़ा चार्ज पिया है, ये समाल चार्ज एक पिया होया है जे जिहड़ा की है पॉजिटिव है। ठीक है, हुण की है इत्थे फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगी। किहड़ी फोर्स लगेगी? फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगी, मतलब ये जिहड़ा चार्ज आ ये जिहड़ा सोर्स चार्ज है उस तो दूर जाएगा। ओके, जे आपां इहनूं डिफाइन करना होवे तो किस तरीके नाल डिफाइन कर सकते हैं कि इलैक्ट्रिक फील्ड की हुंदा है? एन इलैक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज एन इलैक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द स्पेस इन विच इन विच एन इलेक्ट्रिक चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स एन इलेक्ट्रिक चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स एक्सपीरियंसेस अ फोर्स मतलब की आ, एक किसी भी चार्ज के आले दुआले का स्पेस है, जिदा कि आ पॉजिटिव चार्ज है ये आले दुआले का स्पेस है। जदों असी इस स्पेस के कोई चार्ज जिमें कि आप क्यू प्लस क्यू नॉट मतलब जोड़े पॉजिटिव चार्ज रख्या है तो ये तो कोई ना कोई फोर्स लगेगी। जे इतने नैगेटिव चार्ज पिया हों, ठीक है, क्यू नॉट जेकर नैगेटिव हों तो की होना ही इतने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग जानी सी। केड़ी फोर्स लगनी सी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग जानी ही, मतलब स्पेस का मतलब की आले दुआले। ठीक है, वो आले दुआले जो चार्ज होएगा उन्हूं आपां की कह देंगे, जां मतलब जिथे प्रभाव मतलब वो फील करे, ठीक है, आवला चार्ज जिहड़ा वा प्रभाव फील करे। जिदा असी मैगनैटिक फील्ड के देखिया कि एन एस साढ़े कोल की सी मैगनेट सी, उहदे आले दुआले एक प्रभाव बनिया हुंदा है। उह ते तुसीं कई बार देखिया होना मैगनेट तुहाडे कोल होएगी, जे आपां आयरन दे पीस नूं इत्थे भी रखदे हां तो वह अपने वाल अट्रैक्ट कर लेगा जां उहनूं रिपैल कर देगा। ठीक है, जिथे वह प्रभाव नूं फील करता पिया है, जिथे वह प्रभाव नूं महसूस करता पिया है चार्ज, जिथे कोई ना कोई फोर्स लगती पई है एक इस चार्ज करके, उन्हूं आपां की कहांगे इलैक्ट्रिक फील्ड। उन्हूं की कह देंगे आपां इलैक्ट्रिक फील्ड। हुण जिहड़ा एक पॉजिटिव चार्ज है ये की आ, ये समाल, इहनूं आपां हुण जिहड़ा प्लस क्यू है, ठीक है, इहनूं आपां कहिंदे आ सोर्स चार्ज। ठीक है, इहनूं की कहांगे आपां? सोर्स चार्ज कहांगे। ठीक है, सोर्स चार्ज, क्योंकि ये फील्ड प्रोड्यूस करता पाया इलैक्ट्रिक फील्ड नूं, बिकॉज इट प्रोड्यूसस इलैक्ट्रिक फील्ड, इस करके इहनूं आपां कह देंगे सोर्स चार्ज, मतलब सोर्स है इलैक्ट्रिक फील्ड का। फील्ड का मतलब तुसीं समझ ही गए जे इलैक्ट्रिक फील्ड के मतलब चार्ज के आले दुआले वह स्पेस जिथे कि दूसरा चार्ज जिहड़ा वा वह फोर्स एक्सपीरियंस करता पाया किसी फोर्स नूं। फोर्स कोई भी हो सकती है, फोर्स रिपल्सिव भी हो सकती, फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है। फिर उस तो बाद क्यू नॉट, इहनूं कहिंदे ने टैसट चार्ज, इहनूं की कहिंदे ने? टैसट चार्ज। इहदी जिहड़ी वैल्यू हुंदी आ बहुत समाल हुंदी है,
ठीक है, यदि जड़ी वैल्यू आ बहुत ही समाल होंगी है, ठीक है, इन्नी घट मतलब जे समाल रखनी ही पैंदी है सानू। उहदा रीजन की आ कि ये जड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड ते किसी तरीके का जड़ा मतलब इलैक्ट्रिक फील्ड सोर्स चार्ज करके पैदा हो रहा है उत्ते किसी तरीके का प्रभाव ना पावे। ओके, उहदा प्रभाव इत्ते होवे, इहदा प्रभाव उत्ते ना होवे, क्योंकि आपां चैक करना ना कि मतलब फील्ड इलैक्ट्रिक फील्ड नू। क्लीयर हो गया? ओके, नैक्सट हैगा इलैक्ट्रिक लाइनस ऑफ फोर्स। नैक्सट की आ इलैक्ट्रिक लाइनस ऑफ फोर्स, इलैक्ट्रिक लाइनस ऑफ फोर्स, इलैक्ट्रिक लाइनस ऑफ फोर्स की होंदिया ने? ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ the presence of an electric field is shown by electric field lines, ठीक है, या electric lines of force। ओके, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स शोन बाय इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, लाइन्स ऑफ फोर्स। ओके, हुण इहनूं समझदे हां आपां की है। हुण देखो एक चार्ज साढ़े को ए आ, ए हैगा पॉजिटिव चार्ज, एक चार्ज साढ़े को ए वाला है, ये हैगा नैगेटिव चार्ज। क्लीयर? हुण ए की ने, ए साढ़े को की है, नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स, जां कह लो इलैक्ट्रिक लाइनस ऑफ फोर्स। क्लीयर? ये की आ इलैक्ट्रिक लाइनस ऑफ फोर्स। क्लीयर? ये पॉजिटिव जिहड़ियां लाइनस ने, ये पॉजिटिव जिहड़ा चार्ज है उच्चों निकलणगियां ते नैगेटिव वाले जाणगियां। ठीक है, दी इहनूं आपां फील्ड लाइनस भी कहिंदे आ। ठीक है, ये भी तुसीं देख लिओ, फील्ड लाइनस भी कहा जांदा इहनूं, इलैक्ट्रिक लाइनस ऑफ फोर्स नूं फील्ड लाइनस भी बोलदे ने। ओके, इनू इलैक्ट्रिक जां कह लो फील्ड लाइनस भी बोलते हैं। ठीक है, कित्थों निकलदियां पईआं ने? इमरजिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज ते खत्म कित्थे हो रहीआं ने? खत्म कित्थे हो रहीआं ने? नैगेटिव चार्ज वल, एंड टर्मीनेटिंग ऑन नैगेटिव चार्ज, एंड टर्मीनेटिंग ऑन अ नैगेटिव चार्ज। ओके, ये कितों निकलदियां ने? ये निकलदियां ने पॉजिटिव चार्ज के विचों, ते जांदियां खत्म कित्थे होंदियां ने? नैगेटिव चार्ज के विचों। खत्म कित्थे होंदियां ने? नैगेटिव चार्ज के वल। क्लीयर? दूजा की आ, द लाइनस डू नॉट इंटरसैक्ट ईच अदर। ठीक है, द फील्ड लाइनस, इतने मैं फील्ड लाइनस लिखन लगा, द फील्ड लाइनस डू नॉट इंटरसैक्ट ईच अदर। इंटरसैक्ट, इंटरसैक्ट का मतलब की है कि आपस च एक दूजे नूं इह कटदियां नहीं आ। ठीक है, एक दूजे नूं मतलब कि आ लाइन इस तरह नहीं कट सकती। ओके, इनू कहिंदे ने इंटरसैक्ट। ठीक है, द फील्ड लाइन्स डू नॉट इंटरसैक्ट ईच अदर, ईच अदर। क्लियर हो गया?
नेक्स्ट की आ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स या फील्ड लाइन्स कैन नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर, फील्ड लाइन्स लाइन्स कैन नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर, थ्रू अ कंडक्टर। ये तो मतलब की होया कि जिहड़ा मतलब आप कह लो कि जिदा साडे कोल कंडक्टर है, ठीक है, सपोज करो ये साडे कोल की है कंडक्टर है, ठीक है, इहदे विच जिहड़ियां इलैक्ट्रिक फील्ड होएगा इनसाइड द कंडक्टर, इहदे विच जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड होएगा मतलब कंडक्टर दे विच जिहड़ा फील्ड होएगा वह किन्ना होएगा, वह जीरो होएगा। इलैक्ट्रिक फील्ड जिहड़ा वा लिख सकते हैं इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर इलैक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, ठीक है, किन्नी वैल्यू होंदी आ जीरो होंदी आ, ठीक है, इनसाइड कंडक्टर दे विच जिहड़ी इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होएगी वह किन्नी होएगी, जीरो होएगी। इहदा इहदे नाल रिलेटड एम सी क्यू भी कई बार पेपर दे विच पुछिया जाता है। क्लीयर। फोर्थ, ठीक है, ये जिहड़ियां लाइन्स होंदियां ने, ठीक है, ये कित्थों तक जा सकदियां ने, ये इनफिनिटी तक जांदियां ने, इनफिनिटी, इनफिनिटी का मतलब कि इन्हां ने अगे दी अगे जाई जाना है, ठीक है, इहदी जिहड़ी बहुत दूर तक। बट हुंदा की आ कि जिदा जिदा ये दूर जांदियां ने चार्ज तो, ठीक है, जिदा जिदा फैलदियां ने उदा उदा जिहड़ी इहदी स्ट्रेंथ हुंदी आ उह वीक होई जांदी आ, ठीक है, इहदी जिहड़ी स्ट्रेंथ होएगी उह की हो जाएगी, वीक हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट हैगा वा इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेक्स्ट की है इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और फील्ड स्ट्रेंथ, और फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, ई दे नाल इहनू आपां डिनोट करते हैं। ठीक है, हुण इलैक्ट्रिक इंटेंसिटी हुंदी की है, इलैक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट, इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन अ इलैक्ट्रिक चार्ज, एट अ पॉइंट इन अ इलैक्ट्रिक चार्ज, इन अ इलैक्ट्रिक सॉरी इन अ इलैक्ट्रिक फील्ड, इतने आएगा फील्ड, इन अ इलैक्ट्रिक फील्ड, इन अ इलैक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। जे कोई आप इलैक्ट्रिक फील्ड दे विच कोई चार्ज रखते हैं, पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, जो कोई भी चार्ज रखते उस ते जिहड़ी फोर्स लगती पई आ तो किन्नी ज़्यादा लगती पई आ उहनू कहिंदे ने फील्ड स्ट्रेंथ और इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलैक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स, इज द फोर्स ओ ताकत, ठीक है, इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ, एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज placed at that point, placed at that point, placed at that point, clear, ठीक है। मान लो एक चार्ज है साढ़े को क्यू, ठीक है, ये करके कोई ना कोई फील्ड है, तो इतने आपां एक होर चार्ज रखिया है, पॉजिटिव चार्ज रखिया जिहड़ा इहदे ते फोर्स लगती पई है, तो किन्नी वैल्यू दे नाल लगती पई है उहनू कहिंदे ने इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और फील्ड स्ट्रेंथ, और फील्ड स्ट्रेंथ इहनू आपां किद्दां मैथमैटिकली लिखांगे, ई ई की हुंदी है फील्ड स्ट्रेंथ और इलैक्ट्रिक फील्ड
इंटेंसिटी इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय क्यू, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो इहदा यूनिट हुंदा वा न्यूटन पर कूलम। न्यूटन, न्यूटन फोर्स की गल की ना, न्यूटन पर कूलम की है यूनिट, न्यूटन पर कूलम, एन बाय सी। क्लियर? हुण जिहड़ी इलैक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हुंदी है जां इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हुंदी है, एक वैक्टर क्वांटिटी है। इट इज़ अ वैक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वैक्टर क्वांटिटी, नंबरिक। ठीक है, तो इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप एक्सप्रैस कर सकते हैं, इट इज़ आलसो बी, इट कैन आलसो बी एक्सप्रेस्ड इन वी बाय एम। क्लियर? ये दो पॉइंट जड़े आ याद रख लियो। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है गा वा इलैक्ट्रिक फ्लक्स। नेक्स्ट की है इलैक्ट्रिक फ्लक्स, इलैक्ट्रिक फ्लक्स, इलैक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इनू आपा सिंपली कुछ नहीं हैगा, टर्म इलैक्ट्रिक फ्लक्स, टर्म इलैक्ट्रिक फ्लक्स यूज्ड इंस्टेड ऑफ, यूज्ड इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ इलैक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इलैक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। आप करते हैं इलैक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की जगह के उत्ते आप इलैक्ट्रिक फ्लक्स का यूज़ कर लें। ठीक है, यदा नाम अं यूज़ कर लें। ठीक है, इलैक्ट्रिक फ्लक्स जी टर्म है वो इलैक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो आप उपर पढ़िया है वो जगह पर इनू आप यूज़ कर दें, इलैक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, लाइन्स ऑफ फोर्स। क्लीयर? इट इज़ ज कह लो जिहड़े यूनिट हुंदा है वो कूलम्स हुंदा है इलैक्ट्रिक फ्लक्स का। इट इज़ मैजर्ड इन इट इज़ मैजर्ड इन कूलम्स। क्लियर? इलैक्ट्रिक फ्लक्स किहदे इक्वल आ जाएगी? ठीक है, साई दे नाल इहनू डिनोट करदे आ। द सिंबल फॉर इलैक्ट्रिक फ्लक्स इज, द सिंबल फॉर इलैक्ट्रिक फ्लक्स इज, फ्लक्स इज साई। ठीक है, साई सिंबल आप इतने यूज करते हैं, साई का सिंबल इतने आप यूज करते हैं। क्लीयर? फिर कहते इक्वल हो जाएगी साई इज इक्वल टू क्यू कूलम्स। क्लीयर? ओके, नेक्स्ट है वा इलैक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। नेक्स्ट की आ इलैक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी की होंगी है फ्लक्स पर यूनिट एरिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, इनू डी दे नाल आपां डिनोट करते हैं, तो डी के इक्वल आ जाएगी, डी इज इक्वल टू साई बाय ए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, इनू कूलम च एक्सप्रैस करते हैं आप,
क्यू बाय की आ जाएगा ए, क्लीयर। इनू आप कर सकते हैं सी सी, मतलब यूनिट की होंगे क्यू, क्यू सिंबल है चार्ज का, तो चार्ज का यूनिट की होंगे कूलम पर मीटर स्क्वेयर। यूनिट्स जरूर याद रखियो, यूनिट्स तू ना आने चाहिए है, यूनिट्स की बड़ी इंपोर्टेंस होंगी है। ठीक है, द रेशो ऑफ, द रेशो ऑफ डी बाय ई इज इक्वल टू, इज इक्वल टू टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, परमिटिविटी। ठीक है, ये रिलेशन हो गया, की हो गया डी बाय ई इज इक्वल टू एप्साइलन, एप्साइलन ते डी, और फिर डी के दे ए एप्साइलन जे। ठीक है, ए एप्साइलन जे आ ई जे, इनू मतलब कन्फ्यूज ना हो, इनू आप इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, तो इनू आप इस तरह लिख सकते हैं डी इज इक्वल टू एप्साइलन ई, क्लीयर। या इनू इस तरह भी लिख सकते हैं आप ई नॉट एप्साइलन नॉट एप्साइलन आर। ठीक है, ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी होगी, ये रिलेटिव परमिटिविटी होगी। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक डायपोल, नेक्स्ट की है इलेक्ट्रिक डायपोल, नेक्स्ट की है इलेक्ट्रिक डायपोल। अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट, अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय, पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड, अ स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड, इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डायपोल, एन इलेक्ट्रिक डायपोल। क्लीयर, इलेक्ट्रिक डायपोल की होंगे दो इक्वल ते अपोजिट चार्ज। ठीक है, दो इक्वल ते अपोजिट पॉइंट चार्जस। ठीक है, इनू आप कह देंगे डायपोल। ठीक है, ये ली जी दूरी होएगी उन्होंने आप टू ए दे नाल डिनोट करांगे। इलेक्ट्रिक डायपोल का पता चल गया, ओके, जी ये दूरी है वह कि टू ए, आ दो इक्वल चार्ज ने, तो इन्हें मतलब है एक पॉजिटिव एक नैगेटिव, मतलब की है ओपोजिट ने एक दूजे के। ठीक है, ओके ओके ओके।